नमस्कार, सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मार्गदर्शन कार्यक्रम के दौरान IAS सलोनी राय ने बताया किस तरह वो बनी IAS। सर बैठे ई कॉमर्स की है, ई साइंस, तो इसलिए ऐसा देर इज कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं होती। जो भी स्ट्रीम ले, मैंने आपको स्टार्टिंग की स्पीच में भी यही कहा था, आप जो भी स्ट्रीम ले, आपको जो अच्छा लगता है आप। इसमें मैं छोटा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे माँ बाप भी डॉक्टर हैं, तो मेरे ऊपर भी वो जो मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशंस होती है, लोगों की अपेक्षा होती है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी। मैंने भी उसी अपेक्षा के अंदर साइंस लिया 11th में, मगर 2 हफ्ते में मुझे लग गया कि मैं नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, मगर मैं नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उस टाइम पे कॉमर्स की क्लासेस अटेंड करी और मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लगता था, पढ़ने का मन करता था। तो इसीलिए मैंने उस टाइम भी कहा था, जो आप करना चाहते हैं और जो आप कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का फैक्टर होता है। और इसीलिए मैंने कॉमर्स किया और इसीलिए शायद मैं उसमें भी आगे बढ़ पाई, क्योंकि मैंने वो चीज़ ली जो मैं करना चाहती थी। और उसी हिसाब से मैम के साथ, मैम भी डॉक्टर हैं यहाँ पे हम, और मैम ने भी उसके बाद IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया, क्योंकि मैम ने वो चूज़ किया जो वो करना चाहती थी। इसलिए आप जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, आप वही रियलाइज करिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, और अगर आपका एक गोल है मुझे ये करना है, उसका आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिए और कैसे करें, उस गाइडेंस के लिए हम हैं। मगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या अचीव करना है, आपको लाइफ में क्या बनना है। और पेरेंट्स से हमारी यही अनुरोध है कि बच्चों को उतना ही आप प्रोत्साहित करिए कि जो वो लेना चाहते हैं वो लें। और जैसा उस बच्चे ने कहा, तुलना बिल्कुल मत करिए। बच्चों को सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन इस बात से होता है कि उनकी और से तुलना होती है। जो बच्चा अपनी, आप बच्चे को एक मोटिवेशन देंगे तो वो शायद अपनी कैपेसिटी से ऊपर ही करेगा, मगर अगर तुलना करके उसको नीचा दिखाएंगे औरों के सामने, तो शायद जितना वो कर सकता है उतना भी नहीं कर पाएगा। मैडम, आज जिस तरह से मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तमाम जिस तरह से दादरा नगर हवेली के बच्चों ने यहाँ पर मतलब हिस्सा लिया है, तमाम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से शिक्षा विभाग का यह पहल रहा? आज हमने 10वीं कक्षा में पास्ड आउट बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए हमने आज एक करियर काउंसलिंग मेले का आयोजन करवाया था, जिसमें हम बच्चों को सही दिशा दे पाएँ ताकि वो जो करना चाहते हैं लाइफ में और जो वो कर सकते हैं, आज वो बच्चे आइडेंटिफाई करें कि उनका पोटेंशियल क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और उनकी रूह, मतलब किस तरह उनकी इंक्लिनेशन क्या है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जो गोल रखते हैं, वो दे नो कि हमें ये गोल अचीव करना है, मगर एक तो उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें उसके लिए रास्ता क्या चूज करना है। प्लस सेकेंडली, सोशल प्रेशर के चलते वो कई कई अक्सर होता है कि दे लैंड अप इन अ करियर जो वो, जिसमें वो खुश नहीं रह पाते। तो आज का ये हमने 10वीं पास के बच्चा, दिस इज़ द क्रूशियल स्टेज जहाँ पे दे कैन एक्चुअली चूज कि उन्हें आगे लाइफ की दिशा किस डायरेक्शन में रखनी है। तो आज का जो ये हमारा सेशन था, जहाँ पे हमने बच्चों का भी, बहुत बच्चों ने इंटरेक्ट किया और उन्होंने बहुत ही ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें, उन्होंने अपनी क्वेरीज पूछी, जहाँ पे उनके माँ बाप को कैसे समझाएं कि वो कैसे कौन सा करियर चूज करें, या उनके माँ बाप को कैसे समझाएं कि वो एक यूनिक बच्चा है और उनकी तुलना औरों से ना की जाए। तो ऐसी ही इशूज़ को हम आज टच करना चाहते थे कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आए कि वो जो चाहते हैं उसको वो अपने माँ बाप से, अपने अध्यापकों से, सबसे वो कम्युनिकेट कर पाएँ और अल्टीमेटली उस चीज़ के लिए स्टैंड कर पाएँ जो वो अल्टीमेटली लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। दादरा नगर हवेली में अगर यदि बात की जाए, तो आज तक कोई भी IPS ऑफिसर चाहे IAS ऑफिसर नहीं बन पाया, लेकिन हालांकि आज जो प्रोग्राम था, इसमें एक दो बच्चियों ने आकर एक क्वेश्चन किया कि किस तरह से IAS लेवल की पढ़ाई की जाएगी। लेकिन बात अगर की जाए तो उन बच्चियों के लिए और दादरा नगर हवेली के बहुत बड़ी बात है, इस तरह के छोटे से जगह से भी आने के बाद आज पहली बार किसी ने आज पूछा है उस जगह के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से क्या प्रशासन भी उनको हेल्प करेगा इस चीज़? ये हमारा एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है जो आज हमने इस करियर काउंसलिंग सेशन में ये देखा। सिर्फ एक बच्ची ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ अपनी इच्छा प्रकट करी कि वो IAS IPS बनना चाहते हैं, और आज हमें ये चीज़ पता चली कि ऐसा भी बच्चे चाहते हैं। तो हम इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम एक और काउंसलिंग सेशन, आज सेक्रेटरी मैम और हमने यही सोचा है कि हम एक और सेशन, काउंसलिंग सेशन रखेंगे उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज में अपीयर करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोगों, बच्चों को जानकारी नहीं होती, वो एक वही बात है, वो एक विजन देखते हैं कि ये अच्छा प्रोफेशन है, मगर वहाँ तक कैसे पहुँचना है
वो गाइडेंस हम उसमें प्रोवाइड करेंगे, हम एक दो महीने में उनके लिए फिर से एक और कार्यक्रम। मैडम देखेंगे कि आज के प्रोग्राम में जो है, जो आज पूरे स्टूडेंट के लिए आप लोगों ने ये सेशन किया था, तो सिर्फ दो लाइनों में आप जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि बच्चों को जो उनको बच्चों की इंक्लिनेशन है, जो बच्चा करना चाहते हैं, उसको पूरा इंडिपेंडेंस दे, उसको कॉन्फिडेंस दे, उसको मोटिवेशन दे कि तू कर सकता है या कर सकती है। अगर बच्चे, अगर पेरेंट्स बच्चों की मोटिवेशन उसको नीचा करेंगे कि तू ये नहीं कर सकता या तुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट हो सकती है। अगर बच्चे को अपने माँ बाप से कॉन्फिडेंस मिलता है तो वो दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, वो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे और अपनी बात को अच्छे से सबके सामने रख पाएंगे। तो माँ बाप के साथ आज हमारा सेशन रखने का यही पर्पज़ था कि माँ बाप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करें और बच्चों की मदद करें कि वो अल्टीमेटली लाइफ में सक्सेसफुल।